मंत्री एस जयशंकर के राहुल गांधी के बयान के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया है। मेरे 6 पॉइंटेड सवाल है उनसे। एज द लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्बेसडर चाइना का, सबसे ज्यादा वक्त तक चीन में भारत के राजदूत रहने के तौर पर, वो जो चीनी अग्रेशन की फोटो आती है, जो खबरें हैं कि हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर चीन ने अतिक्रमण किया हुआ है, उसके बारे में वो क्या कहेंगे? वो यथावत स्थिति अप्रैल 2020 के बारे में क्या कहेंगे? और वो क्या कहेंगे कि हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स अब हमारी बफर जोन बन चुके हैं, पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक? वो क्या कहेंगे जो पुल बनते जा रहे हैं? उनका कहना था वो तो पहले से चीनी अतिक्रमण था, अतिक्रमण पहले से था, पुल अभी बन जाएगा, उनका बेस अभी बन जाएगा और आप अपने मुंह पर दही जमाए, मुंह पे उंगली डाले बैठे रहेंगे। जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक चीन में भारत के राजदूत रहे, क्या उन्होंने प्रधानमंत्री को यह एडवाइस किया था कि वो पूरे देश के सामने, पूरे पार्लियामेंट के सामने यह झूठ बोले कि कोई घुसा हुआ नहीं है, जबकि हमारे 20 जाबाजों की शहादत हुई थी? जो सबसे लंबे भारत के चीन में राजदूत रहे, जयशंकर जी से यह पूछना है कि क्या जो चीन पैंगयोंग लेक पर डोकलाम में ब्रिजेस बना रहा है, फोर्टिफाई कर रहा है, उस पर वो चुप रहेंगे? क्या उनकी एडवाइस है कि ये सरकार चुप रहे और ध्यान भटकाए? जो लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्बेसडर इंडिया के चीन में रहे, उनसे ये पूछना है, चीन एक रेलवे लाइन बना रहा है, इससे क्या हमारी भूभागीय अखंडता पर खतरा नहीं है? क्या डीबीओ पर जो जंक्शन चीन के अतिक्रमण पर, उससे खतरा नहीं है? और एक बात जरूर पूछनी है लॉन्गेस्ट सर्विंग इंडियन एम्बेसडर चीन से कि आप ही के फॉरेन सेक्रेटरी चिंता जता रहे थे अनमैनेजेबल $100 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट पर, उनसे भी कुछ कह दीजिए। इंटरव्यू देना और वहां पर डींगे हांकना बड़ी बात है, 1 घंटा 41 मिनट का आपने राष्ट्र के नाम संदेश दिया, लेकिन इन सवालों का भी जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप दंभ भरते हैं कि आप चीन में भारत के सबसे लंबे समय तक बने रहे राजदूत हैं। आपने भारत की फॉरेन पॉलिसी को एक कारोबारी को कारोबार दिलाने के लिए, जिसको आप अपने साथ अपने हवाई जहाज पर लेके घूमते हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं, चिरौरी करते हैं, भैया इनको कारोबार दे दो, आपने भारत की फॉरेन पॉलिसी को कारोबार दिलाने के लिए, और दूसरा आपने भारत की फॉरेन पॉलिसी को फोटो अपॉर्चुनिटी, कभी शहनाई सुनते हुए, कभी झूले पर पींग लगाते हुए, कभी लाल शर्ट में अपना खाना छोड़ के लपक के जी हजूर करते हुए, आपने भारत की कूटनीति को उस पर रिड्यूस कर दिया है। और इसी के कारण मैं कहती हूं कि आप भारत के सबसे ज्यादा फेल्ड फॉरेन मिनिस्टर हैं, और बिना तथ्यों के नहीं कह रही हूं, मेरा आपसे कोई भी निजी झगड़ा नहीं है, मैं आपके ऊपर कोई निजी आक्षेप नहीं लगा रही हूं, लेकिन हां मैं ये जरूर कहती हूं कि आप इस देश के सबसे फेल्ड फॉरेन मिनिस्टर हैं। 2.5 साल हो गए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को, अपना आधा एडमिनिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है, इंडिया में यूएस का एंबेसडर नहीं है, यह आपकी फॉरेन पॉलिसी है? ट्रॉइका बना था अफगानिस्तान के इशू पे, रशिया चाहता था हम उस ट्रॉइका में रहे, पाकिस्तान ने मना कर दिया, चीन ने उसकी सहमति करी, हम ट्रॉइका में नहीं आ पाए, यह आपकी फॉरेन पॉलिसी है? अगर आप ही की बात मैं मान लूं कि जो होता है इस देश में, जो भी गलत होता है वो इंटरनेशनल साजिश हो रही है, एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, अगर मैं आप ही की बात मान लूं, तो आप क्या कर रहे हैं? अगर इतनी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी इस देश में हुई जा रही है, तो प्रभु एज फॉरेन मिनिस्टर आप क्या कर रहे हैं? आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? कौन सी नैरेटिव सेटिंग आप करने की कोशिश कर रहे हैं? पोलिटिकल वॉर्स की आप बात कर रहे हैं ना, कौन सा नैरेटिव सेट कर रहे हैं? और नेबरहुड की बात कर लीजिए, पाकिस्तान दौड़े दौड़े प्रधानमंत्री जाते हैं बिन बुलाए, बिरयानी सिवाय भगवान जाने क्या खाने, श्रीलंका में चीनी इंटरफेरेंस है, भूटान हमसे दूर हो गया है, बांग्लादेश ने चीन को कॉक्स बाजार में सबमरीन बेस बनाने को कह दिया है, बांग्लादेश आज हमसे इकोनॉमिक पैरामीटर्स में बेटर कर रहा है, चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो या जीडीपी ग्रोथ रेट हो। और ये जरूर बताइएगा फॉरेन मिनिस्टर, करीब 2.25 लाख भारतीयों ने एक साल में, और ये 12 साल में सबसे ऊंचा आंकड़ा है, लगातार लोग भारतीय नागरिकता छोड़ रहे हैं, 2.25 लाख लोगों ने पिछले साल भारत की नागरिकता छोड़ी, और भारत का जो पासपोर्ट रैंक है वो 71 से गिरकर 2006 में 85 पर कैसे आ गया? विदेश मंत्री तो आप हैं, इतनी बढ़िया विदेश नीति बनाई कि लोग भारत ही छोड़ देना चाहते हैं, हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग गिर रही है।
एक बहुत ही अहम मुद्दे पर आज आपके सामने आए हैं और इस मंच से उस मुद्दे को एड्रेस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कल इस देश के विदेश मंत्री ने डॉक्टर एस जयशंकर ने कुछ ऐसी बातें कही अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ। तो आप बयानबाजी करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और आप लगातार करते रहते हैं। वो कई बार फूहड़ होती है, वो कई बार इमच्योर होती है, उससे भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपने कल चीन को लेकर एजेंसी को एक दिया अपने वक्तव्य में बोला, वो वाकई में चिंताजनक है। और वो चिंताजनक इसलिए है कि यह है क्योंकि आपने एक तरह से भले राहुल गांधी का अपमान करने की कोशिश की हो, आपने अपमान तो भारतीय सेना, उनके शौर्य और उनके पराक्रम का किया और इस देश की भूभागीय अखंडता पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया। उनका कहना था और मैं यहां पर कोट करती हूं, दे मीनिंग चाइना इज द बिगर इकॉनमी, वी आर द स्मॉलर इकॉनमी, वी कांट गो एंड पिक अ फाइट विद देम। 20 जवानों की शहादत हुई है 2020 में गलवान वैली में और हमारे देश के विदेश मंत्री कह रहे हैं क्योंकि हम छोटी अर्थव्यवस्था है तो हम बड़ी अर्थव्यवस्था को अटैक नहीं कर सकते, चीन आपके घर में घुसकर बैठा है। और ये कौन बोल रहा है? एक हमारे यहां लोकोक्ति होती है, उसका बड़ा पॉपुलर सेइंग है, वो सूप तो सूप बोले छलनी जिसमें 72 छेद। क्योंकि इसी इंटरव्यू में उन्होंने और डींग हांकते हुए बोला कि मैं लॉन्गेस्ट सर्विंग चीन में भारतीय का राजदूत रहा हूं, लॉन्गेस्ट सर्विंग इंडियन एम्बेसडर इन चाइना, ये डींग भी उन्होंने हाकी। तो ये कह देना कि हम छोटी इकॉनमी हैं, हम बड़ी इकॉनमी को जाके अटैक थोड़ी कर देंगे। आप क्या कर रहे हैं भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम, उनके हौसले के साथ? आपको क्या कहना है उन सैनिकों का जो बर्फ में, आंधी में, गर्मी में, बरसात में खड़े होकर हमारी भूभागीय अखंडता का, हमारे बॉर्डर्स की सुरक्षा करते हैं? कि हम छोटी इकॉनमी है? उस तरह से तो महा पावर्स के सामने विश्व के छोटे देशों को लड़ना ही नहीं चाहिए। हर सैनिक जो वहां पर खड़ा है उसका हौसला तोड़ने का काम विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किया है। और मैं ये जरूर बोलना चाहती हूं क्योंकि यह सबसे विवादित बयान चीन पर आज तक किसी मंत्री ने दिया है।